के साथ नेहा परिहार। नजर डालते हैं 5 मिनट 25 खबरों पर। पिछले 24 घंटे में मिले 2771 नए मरीज। आईआईटी मद्रास के छात्रावास में सभी छात्रों का होगा टेस्ट। कोरोना की चपेट में आए बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, ट्वीट करके दी जानकारी। संपर्क में आए लोगों से टेस्ट कराने की अपील। हाथरस किसान आंदोलन को लेकर कलेक्ट्रेट में धरना देने जा रहे सपाइयों को पुलिस ने रोका, किया नजरबंद। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। औरंगाबाद में बर्थडे पर तलवार लेकर नाचना एक युवक को पड़ा भारी। मामले में एक व्यक्ति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हाथरस किसान आंदोलन को लेकर राष्ट्रीय लोक दल के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने चौधरी चरण सिंह की मूर्ति पर सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए किया हवन यज्ञ। किसानों को मनाने में जुटी सरकार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हम हमेशा से ही अपने किसानों की बात सुनने के लिए तैयार, हर गलतफहमी करेंगे दूर। बीजेपी नेता के काफिले पर हुए हमले के बाद बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को दी गई जेड श्रेणी की सुरक्षा। अभिनेता से राजनेता बने कमल हसन अगले साल लड़ेंगे तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव। कमल हसन ने खुद इस बात का किया ऐलान। 2 वर्ष पूर्व पीएम मोदी ने किया था रायबरेली फ्लाईओवर का उद्घाटन। 2 साल में ही दयनीय हालात में पहुंचा फ्लाईओवर। 20 लाख करोड़ रुपए के वित्तीय पैकेज को लेकर मोदी सरकार पर राहुल गांधी का कटाक्ष। जम्मू कश्मीर में पीडीपी नेता के घर पर आतंकी हमला, हमले में पीएसओ की मौत। आश्रम वेब सीरीज को लेकर अभिनेता बॉबी देओल और फिल्म निर्माता प्रकाश झा को जोधपुर की एक अदालत से मिला नोटिस। 11 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ी, रिम्स के डॉक्टरों का कहना लालू प्रसाद को डायलिसिस की तत्काल जरूरत। जम्मू कश्मीर में पीडीपी नेता के घर हुआ आतंकी हमला, हमले में पीएसओ की मौत। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा, पाकिस्तानी साजिश का हिस्सा। अमेरिका के मौजूद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक व्हाइट हाउस के अधिकारियों का सबसे पहले कोरोना वायरस का टीका देने की योजना में किया परिवर्तन। वेतन न मिलने पर आईफोन बनाने वाली कंपनी में कर्मचारियों ने की तोड़फोड़, करोड़ का हुआ नुकसान। किसान आंदोलन को लेकर कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बोला हमला, कहा केजरीवाल को नहीं है खेती की जानकारी। किसान आंदोलन को लेकर मंत्री गोपाल भार्गव का विवादित बयान, कहा आंदोलनकारी किसान खा रहे मालपुआ, कहां से आ रहा रुपया। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत की चेतावनी, अगर पुलिस किसान पैच। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत की चेतावनी, अगर पुलिस किसानों को करेगी परेशान तो हाईवे पूरी तरह कर देंगे बंद। अगर आपके बच्चे ऑनलाइन गेम के हैं दीवाने तो बच्चों से क्रेडिट कार्ड को रखे दूर। अमेरिका में एक बच्चे ने ऑनलाइन गेम खेलते हुए अपनी माँ के तकरीबन 12 लाख रुपए उड़ाए। साल 2020 में 5 वेब सीरीजों ने दर्शकों को किया रोमांचित। वेब सीरीजों में स्कैम, मिर्जापुर 2, पाताल लोक, असुर और स्पेशल ऑप्स। कोरोना के चलते आईसीसी ने गेंद पर सलाइवा लार लगाने की लगाई पाबंदी। सालों से गेंद को चमकाने के लिए किया जा रहा था इस्तेमाल, पाबंदी पर सचिन ने जताई नाराजगी। पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र के बीच चल रही तनातनी। गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के 5 अधिकारी को किया तलब। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, सड़क हादसे में बाल बाल बचे, ड्राइवर की गलती से पेड़ से टकराई कार। 5 मिनट 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।